सिंगल जो वॉशिंग मशीन आपके इससे आपने ऑटोमेटिक मशीन का किस तरह से काम लेना है। दो बार इसमें मैंने कपड़े डाल के धोए और फिर मैंने इसमें बेडशीटें डाली हैं और उसमें तकिए के कुशन वगैरह ये जो इसके गुलाब थे वो मैंने डाले हैं, तो कवर वगैरह ये देखे अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना अच्छी तरीके से अभी भी पानी साफ है। इसका मतलब हमारे कपड़े जो थे वो बिल्कुल सारे साफ हो गए थे। इसी तरह आपने भी इसी तरह अपनी सिंगल मशीन को ऑटो मशीन का काम लेना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, फिरिए से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी फिरिए से आ जा रहा हूँ आपके लिए डेली की तरह बहुत अच्छी बहुत कार आमद इसलिए हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको बताने लगे हैं कि किस तरह से आपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करने हैं। सबसे पहले आपने लेना कोई मोटा कपड़ा लेना, बेशक आप खेस वगैरह ले लें, बेड शीट वगैरह ले लें, सबसे पहले यही होता है कि कपड़ा मोटा हो जिससे जिसके ऊपर आपने कपड़े इस्त्री करने हैं। दूसरे आप मोटा कपड़ा बिछाएंगे या मोटा खेस बिछाएंगे, जो भी आप जिसके ऊपर आप कपड़े इस्त्री करेंगे तो उसके ऊपर आप रख के जब आयरन चलाएंगे ना तो आपके कपड़े बिल्कुल इकट्ठे नहीं होंगे और बहुत ज़बरदस्त आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस्त्री के नीचे अगर वो लेवल एक जैसा लेवल हो तो उसके ऊपर आप कपड़े इस्त्री करें तो बहुत बेहतरीन इस्त्री आपके कपड़े इस्त्री होंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इस्त्री लगानी। सबसे पहले मेरी बहनें इस तरह से गलती कर लेती कि आप इस्त्री लगाती हैं वायर होती है ना वो इधर वाली पे कर लेती है। सबसे पहले आपकी ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हम इस तरह से इस्त्री करते हैं तो हमें बहुत बड़े हादसे से का शिकार होने का खदशा होता है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जब भी आप इस्त्री लगाए ना तो ये जो इस्त्री की वायर है ना वो राइट हैंड पे की तरफ हो। अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो इस तरह से आप इस्त्री लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इस्त्री करेंगे। क्योंकि अगर आप इधर वाली साइड पे लेफ्ट पे वायर होगी तो आप जब इस तरह से इस्त्री करेंगे तो ये साथ साथ आगे पीछे होगी और जिससे आपको तार भी डैमेज हो जाती है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ये बात जो है ये नोट करें आप। तो इस तरह से राइट हैंड पे आपने लगानी है इस्त्री। ये देखे जिसे मैंने लगाई राइट हैंड पे इसकी वायर है और इसकी इस तरफ से हम जब इसको इस्त्री करेंगे तो ये हमारे आगे बिल्कुल नहीं आएगी, ना ही हमारे हाथ में अटकेगी। तो इस तरह से आपने बेशक ज़मीन पे बैठ के करते हैं या आप इस्त्री स्टैंड पे कर रहे हैं तो ये देखे इस तरह से पहले सबसे पहले ये आपने काम करना जो आपकी वायर है वो राइट हैंड पे हो क्योंकि ये आपके आगे ना आए। तो इस तरह से अब आप बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने अपने कपड़े इस्त्री करने। इस तरह से आपने सबसे पहले कपड़ों को पानी लगाना। अगर आपके कपड़े कॉटन के हैं तो इस तरह से आपने हल्का हल्का पानी लगा लेना, बेशक आप इस तरह से शावर वाली बोतल से लगा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी पानी लगा सकते हैं कपड़ों को। इस तरह से आपने हल्का हल्का पानी लगा लेना कपड़ों को। ये देखें जैसे मैंने लगाया तो इस तरह से आपके कपड़े जो बहुत ईजी से इस्त्री होंगे और इनके जो सिलवटे हैं वो एकदम से सारी निकल जाएंगे और बहुत बेहतरीन आपके कपड़े आप घर पर ही इस्त्री कर सकते हैं। तो ये देखें जिस तरह से मैंने सारी अपनी शर्ट को लगा लिया पानी। तो अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले आपने किस तरह से कपड़ों को इस्त्री करना। पहले आपने करना क्या, आपने तीरे वाली जगह जो होती है ना वो आपने इस तरह से करनी है, फोल्ड करके रख लें, उसके ऊपर आपने इस्त्री चलानी है। देखिए जी सबसे पहले जब आपने इस्त्री लगानी है तो आपने इसको मीडियम पे रखना। जब आप इस्त्री करने लगे तो इसको आपने फुल पे कर देना क्योंकि अगर आप इसको पहले फुल पे कर देंगे तो आप कपड़े पे रखेंगे तो इस्त्री का जो एकदम से निशान है ना वो कपड़े पे लग जाएगा और निशान जो है इस्त्री का वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से आपने पहले तीरे को प्रेस करना है, ये देखें। उसके बाद आपने ये कॉलर जो है इसके ऊपर इस तरह से पहले आगे वाली साइड पे इस तरह से आपने इसको प्रेस करना। उसके बाद आपने ये वाली साइड जो है इसके ऊपर बाहर वाली पे इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़ी सी उम्दा टिप है आपके लिए कि जिन बहनों को बेटियों को कपड़े इस्त्री करने नहीं आते तो वो इस तरह से करें। फिर इसके आपने बाजू पकड़ने, ये रखे जी आपने बाजू के ऊपर इस तरह से इसको रखना है और इसको इस तरह से आपने इस्त्री करना है। तो ये देखें इस तरह से आप करेंगे तो बड़े ज़बरदस्त आपने धोबी के जैसे जैसे आप बाज़ार से दर्जी से लेके आते हैं कपड़े प्रेस हुए इसी तरह के आप प्रेस घर पे कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के और बगैर चार्जेस के। ये देखें जी इस तरह से कितने अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। ये देखें इसी तरह से अगर आपके कफ पे अगर बहुत ज़्यादा सिलवटे हैं तो आपने सबसे पहले कफ़ों को इस तरह से करना, इस तरह से अपने कफ को इस्त्री करना है। उसके बाद आपने इसको फिर एक बार इस तरह से देखें इसकी जो तय है ना उसको इस तरह से आपने उसके ऊपर से इस्त्री करना है। इसी तरह आपने दूसरा बाजू करना है।
जो इस्त्री कर ले, अब मैंने इसको पहले बैक की तरफ से इस्त्री करूंगी, बाद में हम फ्रंट की तरफ से इस्त्री करेंगे, क्योंकि बैक में अगर हम पहले फ्रंट की तरफ से इस्त्री कर लें, बैक बाद में करें, तो जो फ्रंट है उसके ऊपर इस तरह से फिर सिलवटें पड़ जाती। तो इस तरह से आपने ये देखें जी, इस तरह से आपने जो इसकी सिलाइयाँ हैं ना, इसके ऊपर आपने इस तरह से इस्त्री को दबाना है ताकि जो सिलाइयाँ वो एकदम से बैठ जाएँ, ऊपर ऊपर ना हो। इस तरह से ये देखें कितनी बेहतरीन हुई। इसी तरह से आपने मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करना। मैं भी इसी तरह से कपड़े इस्त्री करती हूँ 5 मिनट में। आपका काटन का सूट हो चाहे वो कोई भी स्टफ का हो, तो 5 मिनट में आपको बड़े ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा और आपका सूट इस्त्री हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये देखें सिलाइयों के ऊपर इसी तरह से आपने दबा के करना है। ये देखें जो घेरा होता है इसकी, जो सिलाई होती है ना, इसको भी आपने इसी तरह से इसके ऊपर दबा के करना है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से सिलाई बैठ गई है। यही होता है, सिर्फ इसीलिए हम घर में जो अक्सर बच्चियां गलती करती हैं तो बाज़ार से हमें कपड़े इस्त्री करवाने पड़ते हैं, तो इसी वजह से बाज़ार से मर्द जो है वो इस्त्री करवाते हैं कि इनकी सिलाइयाँ बैठती नहीं। ये देखें इसी तरह से कितनी अच्छे तरीके से मैंने कर ली। ये देखें सारी की सारी सिलाइयाँ बैठ गई। इसी तरह से अब हम फ्रंट की तरफ से इस्त्री करेंगे। आपने फ्रंट वाली साइड कर लेनी, इस तरह से आपने इसको इस्त्री करना। तो ये वाली जो पट्टी होती है ना, इसको आपने नीचे वाली पट्टी बटनों वाला को उसको आपने साइड पे हटा देना। इसके ऊपर आपने इस तरह से इस्त्री को ज़ोर से ज़रा दबाकर लगाना है ताकि ये वाली पट्टी के ऊपर जो निशाना तो थे वो पट्टी भी एकदम से बैठ जाए, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल आप बाज़ार से करवा के लाएँ। इस्त्री इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह करना है। ये देखें जो सिलाइयाँ इसकी ये सारी बैठ, बस इसको होता है कि आपने इसको बैठाना है अच्छे तरीके से। ये देखें इसी तरह हमने कर लिया। अब हम आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने कपड़े इस्त्री किए। ये देखें जी पूरी की पूरी शर्ट इस्त्री हो गई है इसी तरह से, और उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। आपको को एक आइडिया मिलेगा जिससे को आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप भी अपने घर पे इसी तरह से कपड़े इस्त्री करें। मैंने पूरी कमीज़ जो है इस्त्री कर ली है, तो अब आपने करना क्या है कि इसके बटनों को आपने इस तरह से बंद करना है, एक बटन छोड़कर आपने एक बटन बंद करना ताकि जब आप खोलें तो आपको आसानी से खुल भी जाए। ये देखें इस तरह से, लेकिन मैंने आपके लिए सारे बटन बंद करके दिखाऊंगी क्योंकि अक्सर हमारी बहनें कुछ तो इनको तह लगा कर रखती हैं, कुछ हैंगर में करते हैं। तो आज मैं आपको तह लगा कर दिखाऊंगी। हैंगर वाले तो मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया किस तरह से आप हैंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत इजी है। तह लगाना बताती हूँ कि किस तरह से आपने कमीज़ की तह लगानी है। ये देखिए जी, सबसे पहले आपने इस तरह से उल्ट करनी है कमीज़ को, उल्टा करके इसके जो बाजू है ना इसको इधर आपने साइड पर निकाल लेना। इसको आपने एकदम से हाथों की मदद से ये देखिए इसको आपने ये एक लेवल में कर लेना। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको तह लगानी है। जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये इस तरह से आपने बाजुओं को फोल्ड करना, इसके ऊपर आपने हरगिज इस्त्री नहीं करनी दोबारा। अगर इसके ऊपर आप इस्त्री करेंगे तो जो कपड़ों की है ना वो एक लाइन सी बन जाती है, जब आप कपड़े पहनेंगे तो आपको वो बहुत बुरे लगेंगे। इस तरह से आपने इसका खास ख्याल रखना। तो ये देखें जी, पहले अच्छे तरीके से आप कमीज़ को इस्त्री कर लें, बेशक शलवार भी और पूरे सूट को इस तरह से, फिर आपने इस तरह से फोल्ड करना। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से मैंने कमीज़ को इस्त्री कर ली और तय भी लगा ली। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि हमने आपको दिखाना कि इस तरह से आपने सिंगल जो वॉशिंग मशीन आपके इससे आपने ये ऑटोमेटिक मशीन का किस तरह से काम लेना है। तो आए हम हमारे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फायदा होने वाला है मेरी इस वीडियो से। तो ये देखिए जी, पहले मैं सबसे पहले हम पानी मशीन में डालेंगे जितना हमें चाहिए, स्टेप बाई स्टेप की क्या चीज़ें हमने इसमें डालने, किस तरह से हमने अपनी बिजली की भी बचत करनी है और हमने अपने आप को भी फ्रेश रखना और हमने अपने कपड़े धोने भी है और इसी में हमने सुखाने भी। जी मैंने पानी भर लिया जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बड़े सर्फ के, क्योंकि इसमें बहुत कम सर्फ डलता है जिस तरह से हमने कपड़े आप वाश करने हैं। के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच वाइट विनीगर के, क्योंकि ये हमारे पसीने वगैरह की स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है। अब विनीगर का ये काम है कि ये हमारे कपड़ों में जो स्मेल वगैरह उसको ख़त्म करता है और हमारे कपड़ों में जो दाग वगैरह लगे होते हैं उनको साफ कर ख़त्म करता है, जिदी से जिदी दाग को, और हमारे कपड़ों को एकदम वाइट करता है, साफ करता है। तो ये तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें डालने का मकसद ये है कि इसमें हमारा अगर हम वाइट कपड़े डालते हैं तो उसकी वाइटनिंग को और दोबारा करता है और हमारे कपड़ों में जो स्मेल वगैरह उसमें जो होती है एक खुशबू लेके आता है। तो इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें डाली। अब हम मशीन को चलाते हैं और दिखाते हैं कि आपको तीनों चीज़ों
तरीकों से कितने अच्छा तरीके से हमारे जो मशीन में झाग बन जाएगी ये आपके सामने अभी दिखाते हैं। ये देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से हमारे कपड़ों में ये आपके सामने हमने लाइव दिखाया। दो चम्मच मैंने डाले इसमें सर्फ के और दो चम्मच मैंने व्हाइट विनीगर के डाले और एक चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला नमक। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से झाग होगी। ये चीज़ें इसमें इस फार्मूले से आपका जो है सर्फ भी कम लगेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी बिजली की बचत भी होगी। तो इस तरह से मैंने इसमें देखे इस व्हाइट कपड़े जो साफ कलर के हैं वो मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अक्सर दाग वगैरह लगे होते हैं, इसमें ज़्यादा मसला है। तो मैं आपको ये कपड़े डालकर दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये साफ होंगे। तो आपने भी इसी तरह से करना है जो व्हाइट कपड़े उनके लिए। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है। अंदर के ज़रात के कपड़े इस तरह से व्हाइट कपड़े होते हैं उनको धोना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके से जो दाग वगैरह ख़त्म करने उनकी स्मेल क्योंकि वो अक्सर काम के होते हैं मर्दों के बाहर जाते पसीना ज़्यादा आता है तो बहुत ज़्यादा कपड़ों में स्मेल होती है तो उनके कपड़े धोने बहुत मुश्किल होते हैं। इसी तरह से आपने अपने मर्दों के और अपने भी कपड़े इस तरह से वॉश करेंगे। तो इसे आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इसे सिंगल मशीन को ऑटो मशीन बनाना है। इसमें हमने दो डबल काम लेना बल्कि जो हम ऑटो मशीन में बार बार सर्फ डालते हैं, बार बार हम उसमें पानी डालते हैं, बार बार हम उसको निकालते हैं तो वो हमारा आज से झंझट जो ख़त्म हो गया। एक सिंगल मशीन से हमने डबल मशीन का काम लेना। तो हमारे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं मशीन को चलाने के बाद किस तरह हमने कपड़े निकालने और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। कितने अच्छे तरीके से हमारे जो कपड़े व्हाइट वो बिल्कुल साफ हो चुके। आप भी इसी फार्मूले से कपड़े को धोएं डेली बेस पर। हमारे बच्चे को जो कॉलेज गोएंगे स्कूल गोएंगे उनके कपड़े व्हाइट होते हैं तो उनमें अक्सर दाग वगैरह लगती है। तो इस तरह से आप धोएंगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी और आपके कपड़े भी बिल्कुल साफ होंगे जिस तरह से ये मैंने साफ किए। दो बार इसमें मैंने कपड़े डाल के धोए। अब फिर मैंने इसमें बेडशीटें डाली हैं और उसमें तकिए के कुशन वगैरह ये जो इसके गुलाफ थे वो मैंने डाले हैं तो कवर वगैरह। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना अच्छी तरीके से अभी भी पानी साफ है, पानी ज़रा मैला नहीं हुआ। तो इसी तरह अब मैं इस पानी को निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ किस तरह सिंगल मशीन को हमने किस तरह से ऑटोमेटिक बनाना है और इससे हमने ऑटो मशीन वाला काम इसे लेना है। तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए जी इस तरह हमने इस पानी को सारे को अभी मैं चाहूँ तो इसमें और भी मैं कपड़े डाल सकती हूँ लेकिन मैंने इस पानी को अभी गिरा लेना। गिराने के बाद हम आपको दिखाते हैं मशीन को वॉश करके इसमें पानी डाल के किस तरह से हमने इन कपड़ों को बगैर हाथ लगाए इनको हमने धोना भी है और सुखाना भी है। देखिए जी मैंने पानी निकाल लिया। अब हमने मशीन को अच्छी तरीके से पाइप की मदद से पानी किसकी हो हमने इसमें डाला और उसको अच्छी तरीके से हमने साफ कर लेना ताकि हमने इसमें कपड़े धोने क्योंकि हमने हाथों के साथ कपड़े नहीं धोने। अगर हम हाथों के साथ कपड़े धोते हैं तो हमारी बाजू वगैरह दर्द होना शुरू हो जाते हैं, पेन होती है। तो आज के बाद आपने इसी सिंगल मशीन को अपने ऑटो मशीन का काम लेना। अभी हम इसमें दिखाएंगे आपको इसमें मैंने थोड़ा पानी भरना फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसमें कपड़े धोने भी है और इसमें सुखाने भी। जितना मुझे चाहिए था साफ पानी मैंने डाल लिया। अब मैं इसमें अपने कपड़े डालूंगी क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह आपको दिखाई है इसलिए मैं बेडशीट की जो तकिए वगैरह वो मैं इसमें आपको डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हमने इनको वॉश करना है इसी मशीन में। और अब ये देखिए जी मैंने सारे इसमें डाल दिए। अब हम मशीन को चलाएंगे तो इसी तरह से मशीन जैसे हम कपड़े धोने के लिए चलाते हैं उसी तरह से मशीन चलेगी तो हमारे जो कपड़े इनमें से जो लहर है वो सारी निकल जाएगी। अभी जो बार बार हम हाथों से धोते हैं और उसको निचोड़ते हैं वो हमारा काम छूट गया। तो एक मशीन को हमने सिंगल मशीन को किस तरह से डबल मशीन से काम लिया ये आपके सामने है। ये देखिए इस तरह से इसमें से जो पानी है मैं अभी निकाल कर आपको दिखाती हूँ पानी भी कितना व्हाइट निकल रहा है इसमें से जो मैल है वो सारी की सारी निकल चुकी है, बिल्कुल साफ हो गया। इसका मतलब हमारे कपड़े जो थे वो बिल्कुल सारे साफ हो गए। तो इसी तरह आपने भी इसी तरह अपनी सिंगल मशीन को ऑटो मशीन का काम लेना है जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फायदा होने वाला। तो ये देखिए जी इस तरह से हमारे कपड़े तो हमने हंगार लिए इसमें हंगार लिए और साफ भी हो गए। इसी तरह अगर आप कपड़े सुखाना चाहते हैं कि आपके पास स्पिनर नहीं है तो ये स्पिनर का भी काम करेगी। इसी तरह आपने इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए चलते रहने देना है वॉशिंग मशीन को। इसमें जो कपड़े मैंने डाले हैं ना ये बिल्कुल खुशक हो जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल ड्राई करने हैं तो आप इसमें एक टावल खुशक टावल डाल सकते हैं जो इसका सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको बड़ी ज़बरदस्त फायदा होने वाला क्योंकि एक मशीन से हमने दो मशीनों के काम लिए। ऑटो मशीन का अगर हम ऑटो में यही काम करें तो हमें बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, हमें बार बार सर्फ और बार बार पानी बदलना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है। देखिए जी हमारे कपड़े बिल्कुल इस तरह से खुशक हो गए और साफ भी हो गए। तो इस तरह से उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।